नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। चार चुनाव का ताजा अपडेट, जाने बिहार के किस जिले और किस प्रखंड में कब होगी वोटिंग। बिहार में इंटर में एडमिशन लेने का डेट बढ़ा, जानिए कब तक है लास्ट डेट। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आज पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, देश हित में जातीय जनगणना जरूरी। बिहार को 4 नई सड़कों की सौगात देंगे नीतीश, बुधवार को करेंगे उद्घाटन। बिहार में अब अनलॉक 6 की तैयारी, क्या धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लेगी सरकार। पटना एयरपोर्ट भी अब निजी हाथों में जाएगा, पैसेंजर ट्रेन के अलावे 7 सड़कें भी प्राइवेट सेक्टर को। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से फेज वाइज डिटेल बताया गया है कि कब और किस दिन किन जिलों में वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से यह भी बताया गया है कि किस तारीख को कितने प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। मंगलवार की शाम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। पहले जिन जिलों में बाढ़ नहीं है वहां मतदान कराए जाएंगे, इसके बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चरणवार मतदान कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर जारी निर्देश में कहा है कि अधिसूचना के अगले दिन से 7वें दिन तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। बिहार में इन दिनों इंटरमीडिएट में नामांकन हो रहा है। एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं की काफी भीड़ जमा हो रही है। हालांकि बिहार के कई जिलों में बाढ़ के पानी के कारण स्कूल और कॉलेज जलमग्न हो गए हैं। इंटर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ताज़ा जानकारी ये है कि बिहार सरकार ने एडमिशन लेने का डेट बढ़ा दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार इंटर में अब बच्चे 31 अगस्त यानी कि अगले सप्ताह तक एडमिशन ले सकते हैं। गौरतलब हो कि 11वीं कक्षा में सत्र 2021-23 के लिए नामांकन के लिए जारी फर्स्ट लिस्ट के छात्र छात्राओं को 24 अगस्त यानी कि मंगलवार तक ही लास्ट डेट दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर इसी महीने की आखिरी तारीख तक कर दिया गया है। जातीय जनगणना को लेकर सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हित में जातीय जनगणना जरूरी है, इसीलिए जातिगत जनगणना एक बार होनी चाहिए, लेकिन अब यह फैसला केंद्र सरकार को लेनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी से मिलने का आग्रह किया था, जिसके बाद कल यानी सोमवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दिया था। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री ने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान सीएम नीतीश ने भी अपनी बातें रखी थी। उन्होंने भी कहा था कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, यह लोगों के हित में है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब यह फैसला केंद्र सरकार को ही लेनी है, हमने तो उनके समक्ष पूरी बातें रख दी है। सोमवार को विस्तृत तौर पर जातीय जनगणना पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना सभी के लिए उचित है और देश के हित में है, इसकी मांग हम शुरू से करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों को 4 नई सड़कों की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के 3 राज्य उच्च पथ और 1 बाईपास का उद्घाटन 25 अगस्त को करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस समारोह की तैयारी बिहार राज्य पथ विकास निगम ने कर ली है। इन सड़कों से कई इलाकों के लोगों का सफर आसान होगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के मुताबिक बिहार जगदीशपुर पीरो बिहटा राज्य उच्च पथ संख्या 102 का लोकार्पण होगा। यह सड़क भोजपुर जिले में है। पटना बक्सर फोरलेन सड़क से सोन नदी के पश्चिमी किनारे आकर दनवार बिहटा में मिलता है, जहां से नसरीगंज दाऊदनगर पुल के माध्यम से मगध प्रमंडल क्षेत्र की कनेक्टिविटी होती है। 54 किलोमीटर से लंबी इस सड़क की लागत 504.2 करोड़ है। इसे 2 लेन में 10 मीटर चौड़ा कराया गया है। दूसरी सड़क अमरपुर अकबर नगर SH-85 है। यह सड़क भागलपुर मुंगेर और बांका की यातायात में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी।
राज्य में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार फिलहाल राज्य में अनलॉक 5 के साथ चल रही है। अनलॉक 5 की मियाद आगामी 26 अगस्त को खत्म होने वाली है और अब राज्य में अनलॉक 6 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि 24 या 25 अगस्त को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सरकार यह फैसला लेगी कि आगे अनलॉक 6 में किस तरह की रियायतें दी जाएंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या अनलॉक 6 में राज्य सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी देगी। बिहार में अब तक धार्मिक स्थलों को खोलने पर पाबंदी है, किसी तरह के धार्मिक आयोजन की भी इजाजत नहीं दी गई है। अनलॉक 5 में सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला किया था। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस लिहाज से भी अनलॉक 6 में कई जरूरी रियायतें दी जानी तय है। बिहार में अगर चुनाव के लिए छूट दी जाती है तो धार्मिक स्थलों को कैसे पाबंदी के दायरे में रखा जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले कुछ महीनों में त्योहारों का मौसम है और ऐसे में सबकी नज़रें धार्मिक स्थलों को लेकर लग गई है, पाबंदी पर टिकी हुई है। प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम बढ़ा रही मोदी सरकार ने बिहार को लेकर अब बड़ा फैसला किया है। बिहार में कई सड़कों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर यह है कि पटना एयरपोर्ट का संचालन भी अब निजी हाथों में होगा। इसके अलावे पटना में प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने कुल 13 तरह की सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचने या फिर उसे लीज पर देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ इसकी घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर या संपत्ति को लीज पर देकर कुल 6,00,000 करोड़ जुटाए जाएं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसका पूरा खाका पेश किया है। इस योजना को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। वहीं पटना जंक्शन से प्राइवेट ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। बिहार के 7 सड़कों का संचालन भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग जिस तरह से लापरवाह हो गए हैं उनकी नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की एक कमेटी ने कहा है कि इसी अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा सकती है। भयावह बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है। केंद्र सरकार की टीम ने तीसरी लहर को लेकर देश में की जा रही तैयारियों को नाकाफी बताते हुए इलाज के तमाम बंदोबस्त तैयार रखने को कहा है। ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने दी है। कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर चेतावनी जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सितंबर के आखिर तक कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में इसका पीक आएगा, तब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि देश में हर रोज कोरोना के 5,00,000 से ज्यादा मरीज पाए जाएंगे। ऐसे में पूरे देश में 2 महीने तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। कई जगहों पर लॉकडाउन की भी जरूरत पड़ेगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी यानी कि एपीओ की मुख्य परीक्षा को बीपीएससी ने स्थगित कर दिया है। 24 अगस्त से 27 अगस्त तक पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। इसकी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव परीक्षा नियंत्रक ने दी है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए AISF ने इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। वहीं सांसद चिराग पासवान ने भी यह मांग सरकार के समक्ष रखी थी। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीपीएससी के अध्यक्ष को पत्र भेजा था। चिराग पासवान ने राज्य के ही आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि बिहार के 15 जिलों में बाढ़ आ चुकी है। इन जिलों के 93 ब्लॉक के 694 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में हैं। इस वजह से एपीओ का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वे काफी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि सवाल नौजवानों के भविष्य का है, इसीलिए तय समय पर एग्जाम लेने के बारे में सोचना चाहिए। इसे बाढ़ की समस्या खत्म होने के बाद लेना चाहिए, तत्काल इसे कैंसिल कर देना चाहिए, जिसके बाद आयोग ने इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया है। बिहार में पंचायती राज के कार्य से BDO को अलग कर दिया गया है। यूं कहे तो
बीडीओ का पावर कम कर दिया गया है। अब उनकी जगह प्रखंडों में कार्यरत पंचायत राज पदाधिकारी ही काम को देखेंगे। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने बताया कि इस संबंध में आज ही आदेश जारी किया गया है। अब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बीडीओ की जगह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्य करेंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को ही कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। गौरतलब है कि इसे लेकर विधानमंडल के मॉनसून सत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार जिला परिषद में अब डीडीसी को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नहीं रखा जाना है। इसके लिए सभी जिला परिषद के लिए अलग अलग से पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। बिहार में लगभग 94,000 सीटों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस साल जुलाई और अगस्त महीने में हुई काउंसलिंग ने नीतीश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि 94,000 पदों की काउंसलिंग में लगभग आधी सीटें खाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने रविवार की शाम बताया कि विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर इतने कम उम्मीदवार क्यों काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में पद कैसे खाली रह जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बिहार के सभी 38 जिलों में 10 अगस्त और 13 अगस्त को पूरी हुई काउंसलिंग का रिपोर्ट सरकार को नहीं मिल पाई है, लेकिन जिलाधिकारियों से मिली चयन की मौखिक सूचनाओं ने विभाग को परेशानी में डाल दिया है। शिक्षा विभाग को 10 अगस्त और 13 अगस्त के चयन की रिपोर्ट अब तक 22 जिलों ने ही नहीं दी है। अब विभाग को आशंका हो रही है कि रिपोर्ट नहीं देने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं। विभाग पड़ताल कर रहा है कि कहीं नियोजन इकाइयों ने पोस्ट तो होल्ड करके नहीं रखा है ताकि बाद में आहिस्ते से चयन पूर्ण कर लिया जाए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।